हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज हम मेहंदी के पत्ते और गुड़हल के पत्ते के साथ हेयर ऑयल बनाएंगे। ये गुड़हल के पत्ते को हल्का सुखा लिया, मेहंदी के पत्ते को भी मैंने 2-3 दिन सुखा लिया, क्योंकि हम इन्फ्यूज़्ड ऑयल बनाने जा रहे हैं तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर आप फ्रेश यूज़ करो तो अच्छे से पोंच के सुखा लीजिए। अब चॉपर के अंदर डालिए, रस्सी को खींचते हुए चॉप कर लिया मैंने। आप देख सकते हो इस तरह से रफली चॉप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक होने का ज़रूरत नहीं। अब आप उसमें अपना पसंद का ऑयल डालिए, जैसे मेहंदी के पत्ते के साथ सरसों का ऑयल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सरसों का तेल डाला है। बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल ऐड कीजिए, टाइटली क्लोज करके 24 आवर्स रख दीजिए। बेस्ट होता है अगर आप हल्का धूप में इस तरह रखते हैं तो जो अर्क है वो पूरा तेल में आता है। और 24 आवर्स के बाद इस तरह से और एक बार रस्सी को खींचना है ताकि ये वेल मिक्स हो जाए। नेक्स्ट आपको एक कढ़ाई या तो पतीला में थोड़ा पानी डालना है, ऊपर से एक नैपकिन को इस तरह से फोल्ड करके रख देना है और थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड करना है ताकि पूरा डिप हो जाए। और अब हम ये पूरा जो चॉपर है इसमें रख दिया है, 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में रखेंगे। 5 मिनट्स वाटर बाथ पे रखने के बाद अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 5 मिनट्स वाटर बाथ पे रखने के बाद हमारा ऑयल इस तरह से दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये ऑयल इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली जो हिबिस्कस लीव्स है उसमें एमिनो एसिड और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स हमारे स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और जो एमिनो एसिड है उसमें जो कैरेटिन पाया जाता है, दोनों ही इन्ग्रीडियंट बहुत ही बेनिफिशियल है। और हेना लीव्स में विटामिन ई पाया जाता है जो मॉइस्चर को लॉक करता है बालों में, साथ साथ स्प्लिट एंड्स डैंड्रफ को भी प्रिवेंट करने में, बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस तरह से आप छान लीजिए और हल्का गर्म रहते हुए आप स्कल्प में अप्लाई कीजिए। स्पेशली रूट को फोकस कीजिए और रात भर ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिएगा, रेगुलर यूज़ करेंगे हफ्ते में 3 बार, आपका हेयर लॉस हेयरफॉल तो रिड्यूस होगा, साथ साथ नया बाल भी आएगा।